दुकानों पर हर दिन भारी संख्या में दरवाजों के ऑर्डर आ रहे हैं और बिक रहे हैं। लोग जल्द से जल्द मजबूत दरवाजा अपने घर पर लगवाने के लिए ऑर्डर भी दे रहे हैं। देखिए, भादों का महीना चलता है और अक्सर इन महीनों में कभी भी या फिर इन दिनों में कभी भी दरवाजे लोग अपने घरों के बाहर नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि भेड़ियों का आतंक बढ़ गया है और बांस की लकड़ियों के दरवाजे होते थे जिसकी वजह से भेड़िया आसानी से अंदर घुस जाते थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ है और उसकी वजह से अब बिजनेस पर भी असर पड़ने लगा है। कई जगह इसका बुरा असर तो कई जगह इसका मुनाफा भी देखने को मिल रहा है। अब भेड़ियों की वजह से लोग उन घरों में अब अपने दरवाजे बनाकर नए दरवाजे लगाना चाह रहे हैं जिन घरों में अब तक दरवाजे नहीं थे या जो थे वो बहुत नाजुक थे, और इस तरह के दावे अब बिजनेस करने वाले लोग भी करते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बिजनेस कारोबार करते हैं। ये ऐसा ही एक दुकान में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जहाँ पर चौखट और दरवाजे बनते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह का कारोबार है उनका और यहाँ क्या भेड़ियों के खौफ की वजह से कुछ इस पर असर पड़ा है। ये आपका ही दुकान है? जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ख्याल है। क्या ऐसा होता है कि भेड़ियों के खौफ से कुछ अब दरवाजे बनाने लगे लोग जिन्होंने लगाया नहीं था या कमजोर थे? ये भादों के मौसम में हमेशा काम बंद हो जाता था। अच्छा। लेकिन ये भेड़िए की डर की वजह से इस बार लोग ये महीना नहीं देखे, बस किसी तरह पल्ले हमारे यहाँ लग जाए। अच्छा। पल्ले दरवाजे लग जाए ताकि घर बंद हो जाए। और वो क्या चाहते हैं, कितने दिन में ये ऑर्डर पूरा मिल जाए? तुरंत का तुरंत चाहते हैं कि हमें कोई भी पैसा लगे तुरंत मिल जाए हमें, केवल। अच्छा। कि आज ही हमारे घर पे लग के कंप्लीट हो जाए, बंद हो जाए घर। और उसकी वजह भी बताते हैं जब वो आते हैं तो? बताते हैं कि भेड़िए की डर की वजह से भैया इस मौसम में लगाते ही नहीं हम। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात भी है कि अब इस वजह से, जबकि इनका दावा है कि इस मौसम में अक्सर नया काम, नया कारोबार, नए दरवाजे खिड़की इस तरह का काम रोक दिया जाता है, लेकिन अब इस महीने में अचानक बढ़ाया और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है। अच्छा। भादों के मौसम में कोई बिक्री नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटे, इस बार केवल डर की वजह से बिक्री हो रही है। अच्छा, मतलब पिछले साल भी इस तरह से ऐसा कारोबार नहीं था, डिमांड नहीं थी कुछ, भादों के मौसम में कोई काम ही नहीं होता था, बस ये भाद खाली डर की वजह से, भेड़िए की डर की वजह से सारा काम हो रहा है। और ये इस तरह का अब कारोबार पर भेड़िए ने भी असर डालना शुरू कर दिया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज 18 इंडिया, बहराइच। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे थे। और इस बीच बहराइच पहुंचे यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि एक हफ्ते में भेड़िए को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी, बाद में जरूरत पड़ी तो मारने के भी आदेश दिए गए हैं। हम लोग तो ये समझते हैं जल्दी से जल्दी हो, और हमें उम्मीद है किसी भी समय हमारे पास भेड़िए को पकड़े जाने की सूचना आएगी, और हम लोगों ने इसे कई सेक्टर में बांट दिया है। लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि रात में कई बजे से कह रहे थे एक की ड्यूटी, फिर दूसरे की ड्यूटी, इस तरह से ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि ड्रोन कैमरे के साथ साथ थर्मल ड्रोन भी लगाया गया है, ताकि अगर ड्रोन में नहीं आता है तो थर्मल ड्रोन से पता लग जाएगा कि भेड़िया कहाँ पर है और उसके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहराइच के बाद अब बाराबंकी में भी जंगली जानवरों का खौफ दिखाई दिया है। जंगली जानवर ने एक बच्ची पर तब हमला कर दिया जब वो बकरी चराने गई हुई थी। भेड़िए के हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है, और गांव वालों ने दावा किया कि हमला भेड़िए ने ही किया है, और इस हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लड़की जो है बकरी चराने गई थी, उसको जंगली जानवर भेड़ा हो या कोई है उसको तो उस पर हमला कर दिया, उसको नोच भी डाला, अंगूरी भी काट ले गए, और मुंह पे भी जो है पंजे वंजे के निशान सब हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर होने की संभावना है, ब्लड वर्ड गिरा हुआ और पूरे घास पतावर है तो उसमें उसका संभावना हो सकता है, इसलिए एहतियात तौर पर अपने से सुरक्षा की दृष्टि से बचाव करना है। जंगली जानवर हो सकता है तो उससे तो बचाव ही उपाय है, और अकेले नहीं निकलना है, और छोटे बच्चों को एकदम नहीं निकलना है, क्योंकि ये छोटा जानवर होता है, छोटे बच्चे पे ही ज़्यादा आक्रमण करता है, और ये इस रोड पे लोग बकरी वकरी चराते हैं आते हैं और छोटे बच्चे आते हैं इसलिए। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़िए के हमले का दावा किया गया। खबर है कि जंगली जानवर के हमले में एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज एक अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। तो यहाँ पर तीन लोग घायल हो गए हैं। और देखिए कौशाम्बी, इससे पहले बहराइच की तस्वीर हमने दिखाई, बहराइच में सबसे ज्यादा भेड़िए इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये दहशत कौशाम्बी तक भी अब पहुंच चुकी है।
बाराबंकी और कौशाम्बी इन तमाम जगहों से अब इसी तरह के अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। सेम पैटर्न में यहां पर भी हमला हो रहा है जानवरों के द्वारा, और इसलिए लोगों की तरफ से दावा यही है कि जंगली जानवर भेड़िए हो सकते हैं जिन्होंने ये हमला किया हो। तो उसको देखा तो बकरिया को हमारे जब दौड़ा ना तो हमारी बकरिया नीचे गिर गई तो हमने ऊपर आके देखा कि क्या चीज़ है, बकरियों को दौड़ाया तो देखे ना तो वो कुछ दूर तक निकल गया था। कुछ दूर निकलने के बाद में हम जब उसको बोला कि ये जानवर जा रहा है तो पीछे लौट के हमारे ऊपर हमला किया। कौन सा जानवर था वो? जी भेड़िया सर था।